हाँ दोस्तों, तपस्या अकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं, टाइम एंड वर्किंग के अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है और सी उसे 30 दिन में करता है। वे मिलकर काम समाप्त करते हैं और उन्हें कुल 3700 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त होते हैं, तो सी का हिस्सा ज्ञात करो। क्या कहा गया? तीनों मिलकर काम समाप्त करते हैं और उन्हें कुल 3700 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त होता है, तो उसमें सी का हिस्सा ज्ञात करो। तो इसमें एक चीज देखने वाली है, ये जो पैसे यानी मजदूरी जो मतलब देने वाले ने 3700 रुपये कंप्लीट दे दिया, कहा अपना अपना हिस्सा ले लेना, तो पैसे का बंटवारा यहाँ पर, पैसे का जो बंटवारा होगा वो या तो उनके द्वारा किए गए काम के अनुपात में होगा या उनकी क्षमता के अनुपात में होगा। क्षमता मीन्स इफिशियंसी, और इफिशियंसी का हम वीडियो जो है बहुत जल्द पर्टिकुलर स्पेशली उस पर वीडियो लोड करेंगे, तो ये अगले टॉपिक में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्षमता का मतलब यहाँ पर है, इफिशियंसी का मतलब है कि एक दिन में किया गया काम क्षमता कहलाता है। मीन्स कौन कितना एक्सपर्ट है। जरूरी नहीं काम आप 10 दिन करें, आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, हो सकता है वो काम जो 10 दिन में कोई कर सकता है आप उससे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आप 2 ही 5 ही दिन में कर सकते हैं, तो वही क्षमता है। तो यहाँ पर पैसे का जो बंटवारा होगा या तो उनके द्वारा किए गए काम के अनुपात में होगा या तो क्षमता के अनुपात में होगा। क्षमता क्या होगी, यहाँ पर हम सिंपल सा इतना जानते हैं कि क्षमता यहाँ पर होगी एक दिन में किया गया काम क्षमता कहलाता है। अगर घंटे की बात हो रही तो एक घंटे में किया गया काम क्षमता कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिन की बात हो रही तो एक दिन में किया गया काम क्षमता कहलाता है। तो पहले तो उसी टाइप का लॉजिक है, तीन जगह काम हो रहा, तीन लाइन खींचते हैं, यानी कि 20, 25 और 30, ये कौन कर रहा है? ए कर रहा है, ये कौन कर रहा है? बी कर रहा है, ये सी कर रहा है। 20, 25 और 30 का अगर एलसीएम लिया जाए कितना आएगा? 300 आएगा। ये आएगा 20 और इससे डिवाइड करें कितना आएगा? 15। अगर इसको डिवाइड करें 12 और इसको डिवाइड करें 10। तो ये क्या है? ये है यूनिट पर डे। यूनिट पर डे मीन्स सी के द्वारा एक दिन में किया गया काम, और एक दिन में किया गया काम क्या बताया गया? क्षमता कहलाता है। तो इसका मतलब है ये सी के द्वारा एक दिन में किया गया काम, ये बी एक दिन में करता है, ये ए एक दिन में करता है। तो इसका मतलब ए की क्षमता यहाँ पर 15, बी की क्षमता 12 और सी की क्षमता कितनी है? 10। तो ए बी और सी की क्षमता का अनुपात कितना है? 15, 12 और 10। ए बी सी की क्षमता का अनुपात है 15, 12 और 10। अब हमको पैसे का जो बंटवारा क्षमता के अनुपात में अगर करना है, तो यानी कि इस 3700 रुपए को इस रेशियो में ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे इस रेशियो में? यहाँ पर एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, मान लिया जाए, यहीं पर देख लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए दो व्यक्ति हैं, मान लो ए और बी ही मान लेते हैं, और इनको 500 रुपए, 500 रुपए इन दोनों में 3 और 2 के अनुपात में बांट दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? 3 और 2 का मतलब टोटल कितना है? 5। यानी इस 500 के हम कितने टुकड़े कर दें? 5 टुकड़े कर दें। अगर 500 के 5 टुकड़े करें तो कितना? 100, 100, 100, 100 और 100 हो गए 5 टुकड़े। 5 टुकड़ों में 3 हिस्से ए को दे दिया जाए कितना मिल गया? 300। और 2 हिस्से बी को दे दिया जाए कितना हो गया? 200 रुपए। तो 300 इसको मिले, 200 इसको मिले। अगर हम यहाँ पर इसको करने की मैथ की भाषा में अगर बात करें, इसको करेंगे कैसे इस रेशियो को, तो अगर हम यहाँ देखें इस 500 को, यानी कि इन 500 रुपए को इस अनुपात में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? 3 और 2 टोटल, यानी कितने में बांटना है? 5 के अनुपात में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 रेशियो किसके बराबर? 500 के बराबर। तो 1 रेशियो किसके बराबर? 100 के बराबर। 1 रेशियो 100 के बराबर यहाँ कितना है? 3 रेशियो। तो यहाँ क्या करेंगे? 3 रेशियो किसके बराबर? 100 को 3 से गुणा कर दो, 300 हो गया। 2 रेशियो किसके बराबर? 100 को 2 से गुणा कर दो, 200 हो गया। तो हम ये काम जो यहाँ पर लिखा है इसको यहाँ पर नहीं बार बार करना है, तो इस 1 रेशियो 100 के बराबर, 3 रेशियो किसके बराबर, यहीं पर 100 से गुणा कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 100 का गुणा 300 से करेंगे 300, यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 200। यानी इसको मिलेंगे 300 और इसको मिलेंगे 200। तो यही कॉन्सेप्ट हम अपने प्रेजेंट क्वेश्चन में लगाते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें इस 3700 रुपये को इस अनुपात में बांटना है, तो ये कितना है? 15, 12, 27 और 10, 37। यानी 37 है, तो हमको क्या करना है? 37 रेशियो किसके बराबर? 3700 के बराबर। तो 1 रेशियो किसके बराबर? 1 रेशियो 100 के बराबर। तो अगर देखा जाए अब 1 रेशियो 100 के बराबर, 15 रेशियो किसके बराबर, तो वहां नहीं, यही पे मल्टीप्लाई कर देते 100 का। तो इसको मिलेंगे 1500 रुपए, इसको मिलेंगे 1200 रुपए और इसको मिलेंगे 1000 रुपए।
तो अगर ये पूछा जाता है ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 1500 रुपये, बी को कितना मिलेगा 1200 रुपये, सी को कितना मिलेगा 1000 रुपये, ये आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया सी का हिस्सा ज्ञात करो, तो सी को कितना रुपया मिलेगा 1000 रुपये, यानी सी का हिस्सा कितना हो गया 1000 रुपये, और ये हमारा आंसर हो गया। अब सेम जो है इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कैसा होगा, अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन ए काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, वे मिलकर काम समाप्त करते हैं और उन्हें कुल 1500 रुपये मिलते हैं, तो दोनों का हिस्सा ज्ञात करो। इसमें क्या पूछा गया, ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, मिलकर काम समाप्त करते हैं और उन्हें कुल 1500 रुपये मिलते हैं, तो दोनों का हिस्सा ज्ञात करो। तो यहाँ काम दो जगह हो रहा है, दो लाइन खींचो, 10 दिन 15 दिन ये कौन करता है, ए करता है, ये कौन करता है, बी करता है, 10 और 15 कैल्शियम कितना आएगा 30, 10 3 15 दूना, तो यहाँ ए यानी ये यूनिट पर डे है, ये यूनिट पर डे और ये यूनिट पर डे किसका, ये बी का और ये ए का, तो ए यूनिट पर डे ही क्षमता एक दिन में किया गया काम क्षमता कहलाता है, तो ए बी का अनुपात कितना हो गया क्षमता का 3:2, यानी कि इस 1500 रुपए को हमको 3 और 2 के अनुपात में बांटना है, कितने रुपए को 1500 रुपए को, तो यहाँ पर 3:2 कितना 5, तो हम क्या लिखेंगे 5:1500 के बराबर, 1:1 किसके बराबर 5 3 300 के बराबर, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई 3:1 किसके बराबर 300 का, यहाँ गुणा अगर कर देंगे तो कितना आएगा 900 रुपये, 900 रुपये, और 300 का अगर यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 600 रुपये, मतलब ए को मिलेगा 900 रुपये और बी को मिलेगा 600 रुपये, 600 रुपये और एस, तो दोनों का हिस्सा पूछा गया, तो दोनों का हिस्सा पूछा गया, तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या हो गया, ए को मिला 900 रुपये, बी को मिला 600 रुपये, और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों जहाँ तक हम समझते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पता पूछ सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें हम आपका क्लियर करेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम क्षमता के ऊपर बात करते हैं, और ये क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में करना है, तो अगले उसमें हम क्षमता के ऊपर जो बात करते हैं तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, और टाइम एंड वर्क को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, तो अगर वीडियो आपको समझ में मतलब पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बनता रहे, मोटिवेशन बना रहे, और हम लोग टाइम टाइम पे आपको और भी बेस्ट और भी अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।